ला करके रात में कोई नेता आया उसको मरवाया, विधवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। ये योगी सरकार सरकार में हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे को पकड़े उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो बोल बोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई, अभी तक उसको पेश नहीं हुआ। थाने में कोई इंस्पेक्टर हो उसी थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है। जिन लोगों ने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये योगी सरकार सरकार में हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, निश्चित तौर पे न्याय होगा, लेकिन समय का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मैं परिवार को लेकर के हमारी मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करूंगा, मिलकर के जो भी संभव हो परिवार की मदद। कस्टोडियल डेथ हुई है सर, परिवार लगातार ये कह रहा है कि पुलिस की वजह से। आप बताइए कि जिस थाने में कोई इंस्पेक्टर हो उसी थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है। 302 का मुकदमा कायम हुआ है, जिस इंस्पेक्टर उसी थाने पे था और उसी के खिलाफ कल FIR दर्ज हुई है उसी थाने के अंदर। इसका मतलब है कि न्याय की ओर मामला चल रहा है। कल भी परिजनों ने लोहिया हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया, आज भी कर रहे हैं। स्वाभाविक है, परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार की पीड़ा समझी जा सकती है भाई। किसी परिवार में अगर कोई नौजवान की डेथ हो या किसी भी उम्र का व्यक्ति उसकी डेथ होगी तो कष्ट तो होगा ही, और पूरे क्षेत्र को कष्ट है। कितना परिवार के साथ पूरे क्षेत्र को कष्ट है, हम लोग सब लोग कष्ट में ही। लेकिन अब घटना को तो आप किसी से मनती वापस नहीं कर सकते पूरे घटनाक्रम को, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जिन स्थितियों में ये हुआ है उसकी पूरी जांच हो, जिन्होंने गलत किया है दंडित हो, परिवार को पूरी सहायता मिली। इस संबंध में मैं सर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही है और परिवार वाले और एक सरकारी नौकरी की, उसमें क्या कहेंगे सर? अब ये तो मैं आपके मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और जो हमारे अधिकारी उनसे मिलकर तभी मैं इससे कोई बात बोल सकता हूँ। पुलिस अफसरों की तरफ से अभी सिर्फ FIR की कार्रवाई हुई है। अब पुलिस क्या कार्रवाई, मैंने भी पुलिस से पूछा, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होना था, तो अभी पोस्टमार्टम होकर के मुझे लगता है बॉडी अभी आई है, तो जब आदमी की कार्रवाई पुलिस करेगी। विधायक जी आप मानते हैं कि पुलिस की गलती थी, तभी मुकदमा भी दर्ज हुआ इंस्पेक्टर समेत कई लोगों का? पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, कोई ना कोई बात तो है, तभी तो दर्ज किया, और उसी थाने में दर्ज हुआ जिस थाने में वो इंस्पेक्टर क्या टिप्पणी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रामदेव पांडे। आप बताइए। मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया, एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया। तारीख 25 26 है 25 है 26/7/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो बोल बोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई, अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है देवा रोड का है, देवा रोड का मामला है, जैनाबाद का चिन्हट थाने की बात है। चिन्हट थाने वाले पकड़ के ले आए। किस मामले में लाए थे? 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? जिसने अरे पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं रहा, अवधेश नाम है उसका, उसको ला करके रात में कोई नेता आया उसको मरवाया, विधवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा भाई अभी कोर्ट में हुआ था, नहीं हम लोग पता नहीं, अभी पता नहीं लग रहा कहाँ नहीं, देखने नहीं दिया। उसको साथ में ले आए थे, उसको मिलने नहीं दे रहे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।